नाउ वी विल गो द सीक्वेंस ऑफ फायरिंग, बॉयलर को फायर कैसे करते हैं। जब इनिशियली आपने इंस्टॉल कर लिया बॉयलर, सब कुछ वार्म अप है, आप यू विल प्रेस द बटन, बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एफडी फैन चालू होएगा। एफडी फैन चालू होएगा, एफडी फैन इज फर्स्ट ड्राफ्ट फैन, वो जितने अंदर फ्यूम्स हैं, एक्स्ट्रा ऑयल है, उसको पर्ज आउट कर देगा। इट इज सेट टू से 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, वट एवर इट इज सेट ऑन बॉयलर, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर। सो वो आपका एफ डी फैन चालू होगा और पर्जिंग करता रहेगा, पूरी हवा निकल जाएगी। ओके, जब वो आपकी पूरी पर्जिंग हो गई, मतलब बेसिकली क्यों पर्ज क्यों करते हैं, पर्ज करते हैं इसलिए कि आप नहीं, इसलिए कि अगर एक्स्ट्रा फ्यूल है, ओके, दैट विल पर्ज आउट। नहीं तो क्या, अगर ऑयल ज्यादा होगा एकदम में जलेगा तो इट विल हैव अ बैक फायर। कोई भी एक्स्ट्रा चीज होगी, एयर होगी, फ्यूल होगा, सारा कुछ पर्ज हो जाएगा, एयर भी हो जाएगी। एयर से तो पर्ज हो रहा है, वो सिस्टम पर्ज कैसे हो रहा है, प्रेशराइजेशन मार रहे हैं, एटमॉस्फेयर एयर दे रहा है एंड वो एयर ऊपर फनल से बाहर चली गई, तो जो एक्स्ट्रा फ्यूम है, एक्स्ट्रा फ्यूल है, वो सब उसको चले, तो इट विल अवॉइड कि भाई अंदर जो आपकी फ्यूम्स थी वो निकल गई, तो जब आप फायर करेंगे तो बैक फायर ना हो। ओके, दैट वाज फायर। एफडी फैन जब चालू हो गया, उस टाइम आपके डैम्पर पूरे खुले हुए हैं, देन डैम्पर विल स्टार्ट क्लोजिंग स्लोली, जब वो बंद हो जाएंगे, टू फायर ए बॉयलर यू शुड हैव मिनिमम फ्यूल एंड मिनिमम एयर, मिनिमम एयर। ओके, जब वो कंडीशन होगी तो आपका बॉयलर फायर होगा। अगर आपको कंडीशन नहीं मिलती है, अगर आपका डैम्पर खुला रह गया, तो क्या होगा, हवा ज़्यादा होगी, इफ देयर इज मोर एयर देन व्हाट हैपन, आपका कंट्रोल हो गया, तो उस टाइम सिर्फ ये फायर नहीं हुआ बॉयलर, ओनली डैम्पर के फ्लैप खुले एंड बंद हो गए टू द मिनिमम। ओके, उस टाइम जब पूरा सिक्वेंस हो जाएगी, फिर आपका इग्नाइटर है, जैसे इग्नाइटर जो है उससे स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। दो तरह के इग्नाइटर जनरली यूज में आते हैं, एक आगे उसमें दो रोड टाइप लगे रहते हैं, वो आगे अराउंड 2.5 mm के गैप पर रहते हैं, तो जब वो उसको पावर मिलती है तो वो स्पार्क क्रिएट करते हैं एंड वो स्पार्क जो है आपको फ्यूल को इग्नाइट करते हैं। कुछ में क्या, एच इग्नाइटर दे है अराउंड 10,000 volts। ओके, तो आगे से गोल रहते हैं इतने अराउंड आगे से गोल है और उन दोनों में स्पार्किंग होगी। वो भी सर दो होते हैं? हाँ, नहीं, अच्छा, इग्नाइटर तो एक ही है, लेकिन उसके बीच में इंसुलेटर के साथ बीच में एक इलेक्ट्रोड एनोड तो वो जो है स्पार्क होएगा। जब डीजल आएगा, डीजल आएगा तो डीजल उससे फायर होगा, तो एक फ्लेम क्रिएट होगी। सो यू हैव फ्लेम आई, फ्लेम आई विल सी कि ओके वहाँ फ्लेम आ रही है, वो सिग्नल आएगा। उस टाइम क्या आएगा, आपका जो मेन फ्यूल है हैवी ऑयल, उसके सोलेनोइड वाल्व खुल जाएंगे, ऑयल आएगा टू द मेन बर्नर, जो रोटरी बर्नर होगी, बर्नर से फ्यूल आएगा और बिकॉज ऑफ दिस फ्लेम दैट विल फायर, दैट विल बी ट्रिगरिंग। ओके, वो फायर हो गया। और फ्लेम आई क्या है, फ्लेम आई फिर सेंस करेगा, यहाँ पे फ्लेम आ रखी है, तो इसको देगा सिग्नल एंड कंटिन्यू ऑयल, कंटिन्यू ऑयल सप्लाई होएगा, आपका इग्नाइटर बंद हो जाएगा, आपका पायलट बर्नर बंद हो जाएगा और बॉयलर चालू हो जाएगा, देन योर स्टीम विल कीप ऑन गोइंग। ओके, कुछ बॉयलर्स में क्या होता है, अब सपोज आपने फायर हुआ लेकिन जो पायलट बर्नर की फ्लेम फेल हो गई एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लेम फेलियर ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई हमारी फ्लेम फेल हो गई, फ्लेम फेल होगी तो आपका बॉयलर बंद हो जाएगी, जो फ्यूल ऑयल वाल्व खुलने थे वो नहीं खुलेंगे। ओके, देन जब आपका बॉयलर फायर हो गया, सो यू स्टीम विल कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। तो स्टीम अगर आप ऑटो में हैं तो इट विल मेंटेन ऑटो, ऑटो इग्नाइटर और कट ऑफ, प्रेशर सपोज 7 bar लिखा, 7 bar पर जाएगा तो बॉयलर कट ऑफ हो जाएगा,
और जब नीचे आ जाए से 3 बार 5 बार जो भी सेटिंग की हुई है से यहाँ डिसाइड नहीं, वो वहाँ बॉयलर के ऊपर डिपेंड करके जो भी उस पर आएगा तो वो वापस चालू हो जाएगा। कई बार हम बॉयलर को मैनुअल में भी रखते हैं तो उसको इस तरह से एडजस्ट करके रखते हैं कि वो कंटिन्यू फायरिंग करेगा, फिर हमें स्टीम डंप करनी पड़ती है, दैट इज अनदर पार्ट। ओके, फिर हमारे अलार्म्स हैं, फ्लेम पे लेयर अलार्म है, लो वाटर लेवल, हाई वाटर लेवल, लो लो वाटर लेवल, लो फ्यूल ऑयल, टेम्परेचर, क्योंकि हमारे हैवी ऑयल पे चलता है, स्टीम प्रेशर हाई, स्टीम प्रेशर लो, अगर स्टीम प्रेशर और ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपका एक लिमिट है, बॉयलर की एक लिमिट है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 7 बार तक हमारी लिमिट है, 7 बार से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, या तो आपका बॉयलर कट ऑफ हो जाना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉयलर कट ऑफ नहीं हुआ तो आपके रिलीफ वाल्व फूट जाएंगे, इट विल गिव क्वाइट बिग नॉइज शी लाइक व्हिसल नॉइज, सो यू विल कम टू नो एंड यू विल गेट अलार्म। अभी दूसरा क्या है, जब फायरिंग करते हैं कई बार वो बंद हो जाता है लो फ्यूल ऑयल, एक लो फ्यूल ऑयल, एक लो फ्यूल ऑयल है, लो लो, हाँ दो दो सेटिंग देते हैं, फ्यूल ऑयल लो है तो दूसरा एक पंप चालू है आपका फ्यूल ऑयल का, जब लो आ गया तो दूसरा पंप चालू हो जाएगा, लेकिन लो हो गया ट्रिप तो आपको बोलो ट्रिप हो जाएगा, उन सब में टाइमर काम करते हैं, सबकी सेटिंग है कितना टाइम होगा तो ये हो जाएगा। ओके, स्टीम के आपको बताई दिया, एक हमारे जो डीजल यूज करते हैं और हैवी ऑयल यूज करते हैं, तो डीजल को तो हीटिंग की जरूरत नहीं है, ओके, लेकिन जो हैवी ऑयल है उसको हीटिंग की जरूरत है, तो प्यूरीफायर रूम के अंदर जनरली एक स्विच रहता है, चेंज ओवर वाल्व रहता है, चेंज ओवर वाल्व को क्या करते हैं, जब डीजल पर है तो हम उसे डीजल पर डाल कर रखते हैं तो हमारे हीटर्स बंद रहते हैं, लेकिन जब हमें हैवी ऑयल पर चलाना है तो उसको हम हीट पर डालेंगे तो हीटर का सर्किट कंप्लीट, हीटर ऑन हो जाते हैं एंड इट विल कीप ऑन गिविंग फ्लो टू द लिक्विड, और वो रखते हैं अंडर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 130 हाँ 130 डिग्री अराउंड। ओके, जब आप बॉयलर बंद करते हैं मतलब लॉन्ग टाइम के लिए बंद करना है तो हम उसको डीजल पर चेंज ओवर करके रखेंगे, वहाँ से डीजल पे चेंज ओवर कर देंगे, डीजल जब लाइन में आ गया तब यू नो कि भाई हमारा डीजल लाइन पे आ गया है तो अच्छा। एक क्या होता है कि जब हमने डीजल पे कर दिया तो हमारे जो हीटिंग ऑयल वो तो जम जाएगा पाइप में, तो पाइप में जैसे ये पाइप है फॉर एग्जांपल ये पाइप है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक केबल लगा रहता है और ये चीज़ कवर्ड रहती है, तो जो हीट है अराउंड जिस इतना चौड़ा है वो उसमें दो पैरेलल वायर चले रहते हैं उनको देखें तो लो वोल्टेज से तो यहाँ से जाता रहेगा और इसको कीप ऑन हीटिंग, तो आपका जब हीटर बंद है फ्यूल जिसमें ना जमे इसलिए वो हीटिंग इसको हीट करता है और उसको हम कवर कर रखते हैं ताकि हीट बाहर डिसिपेट ना हो, तो उससे हमारा फ्लो बना रहता है। तो ये बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप बॉयलर को एक दो दिन के लिए बंद करना है इवन कुछ घंटे के लिए ही बंद करना है तो आप उसे चेंज ओवर कर दें डीजल में, और जब तो डीजल में क्या से होगा, आपने डीजल में जब डालेंगे तो बॉयलर फायर होता रहेगा तो धीरे 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 आपका हैवी ऑयल कंज्यूम हो जाएगा और लाइन में डीजल हो जाएगा। डीजल पे डालने से पहले हम ये हीटिंग कॉइल ऑन करनी पड़ेगी ना सर, ये ऑन ऑन रहती है, ऑन ही रहती है, ये ऑन रहती है, ये डीजल भी चेंज ओवर करना तब नहीं ये ऑन ही रहती है, डीजल में करेंगे तो ऑफ कर देंगे सर, फिर हमें सर मेन बर्नर भी सर डीजल मेन बर्नर भी सर हमें 2-3 सेकंड के लिए डीजल से चलाना पड़ेगा, फिर 2-3 सेकंड के लिए नहीं ज्यादा, आप जब चेंज ओवर करोगे तो आप टेम्परेचर देख रहे हैं, टेम्परेचर से 130 डिग्री था वो धीरे 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 कम होगा क्योंकि डीजल आ गया लाइन में, और डीजल आ गया लाइन में तो फिर टेम्परेचर आपका कम होगा जो डीजल टेम्परेचर 30-40 एटमोसफेयर जो भी एटमोसफेयर। एक चीज तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जब आप उसको बंद कर रहे हैं कुछ लॉन्ग टाइम के लिए तो आपको डीजल पर चेंज ओवर करना है, और जब स्टार्ट करना है तो हैवी ऑयल स्टार्ट हो गया डीजल पर चालू करके फिर आपका हैवी ऑयल चालू कर, जब तक हैवी ऑयल तो हीटर जैसे ही वो स्विच को आप प्यूरीफायर रूम के अंदर चेंज करेंगे तो हैवी ऑयल
हीटर चालू हो जाएगा, हीटर चालू और मेंटेन हो गया तब वो हैवी ऑयल आएगा लाइन में। ठीक, बंद कर दे, बंद कर दे सर। एक शंका है,